देखते हैं क्या, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स के इक्वल है, देन प्रूव दैट साइन का पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस का पावर सिक्स थीटा इक्वल टू 4 - 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। चलिए हमने देखते हैं, हमारे पास दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स के इक्वल है। हमें देखो इसको सॉल्व करने में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी, तो पहले इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालते हैं, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही ये काम कर ले रहा हूं, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। इसका तो वैल्यू 1 हो गया, 1 प्लस का 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई में 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमें LHS ले रहना होगा, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर क्यूब और प्लस का कॉस स्क्वायर क्यूब। यहाँ अब देखो पावर 6 है तो ऐसे कर दिए, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है ना इक्वल होता है ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू में ए स्क्वायर, ए बी इंटू में ए प्लस बी, सॉरी मैंने ए स्क्वायर लिख दिया है, इंटू में ए प्लस इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी को अप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है यहाँ पे देख लीजिए, ये ए के जगह पे साइन स्क्वायर, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू में ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये ना हो जाएगा जी। इसे ए और ए इस फॉर्मूले पर रख दिए तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू में ए प्लस बी, यही ना हो गया। चलिए देखिए इसके जगह पर तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है माइनस 3, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू 1। अब इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1 - 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 4, तो हो जाएगा 4 - 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपके RHS में यही ना लाना था, हमने ला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन।